फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जीमेल आईडी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली गूगल पर सर्च करना है www.gmail.com। इस पर सर्च करने के बाद आपके सामने ये पहली वेबसाइट आएगी, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस पर मैंने जैसे ही टैप किया, उसके बाद में ये वेबसाइट यहाँ से ओपन होने लगी। यहाँ पर आपको साइन इन यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया साइन इन पर, उसके बाद में ये ओपन हो जाएगा। साइन इन में हमारा पुराना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, बट हमें न्यू अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस। आप किसी में भी इसमें क्लिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। तो अभी मैं टू माई बिजनेस इस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो चुका है। तो सिंपली हम फॉर्म को फिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अपना नेम। और लास्ट नेम में हमारा सरनेम। तो यहाँ पर हमने अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिख लिया है। उसके बाद में नीचे यहाँ पर यूज़र नेम। तो यूज़र नेम ये पहले से भी सजेस्ट कर सकता है, बट मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे कि साई बाबा। और उसके बाद में पासवर्ड। तो पासवर्ड अभी मैं इसमें लगा लेता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हमने फॉर्म फिल कर लिया, आप एक बार फिर से इसको देख लो। उसके बाद में सिंपली हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें ये कह रहा है अपना फ़ोन नंबर एंटर कीजिए। ये ऑप्शनल है, आप लगाओ ना लगाओ जरूरी नहीं है। उसके बाद में ये कह रहा है रिकवरी ईमेल एड्रेस, यानी कि आप अपना पासवर्ड भूल जाओ तो आप कैसे अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो। तो मैं सिंपली अपना फ़ोन नंबर ही यहाँ पर लगा लेता हूँ। अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर लगा लिया है। सिक्योरिटी के लिए मैं अभी इसको आपको शो नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद में आपका बर्थडे और आपको लिखना है। उसके बाद में जेंडर, तो अभी मैं सिंपली अपना बर्थडे यहाँ पर लिख लेता हूँ। और बाकी का सिक्योरिटी के लिए मैं आपको अभी शो नहीं कर सकता। उसके बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने नेक्स्ट किया, उसके बाद में ये कह रहा है आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई कीजिए, यानी कि एक OTP आएगा, इसको हम सेंड करते हैं। उसके बाद में इसमें वो OTP यहाँ पर लगा देंगे। फ्रेंड्स, मेरे मोबाइल में OTP आ चुका है। सिंपली हम इस OTP को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर गो पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर हम आई एम इन इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में न्यू पेज ओपन हो चुका है। इसमें हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और सबसे नीचे आई एग्री इस पर हम क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी जीमेल आईडी बन चुकी है और आप इसको किसी भी डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हो। और फ्रेंड्स, और भी हेल्पफुल वीडियो के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।